अपना एक गैसर चूर्ण आता है दिव्य फार्मेसी का, सबको पता है क्या नाम है, गैसर। 2 ग्राम ले लो, कभी कभी ऐसे भी बन जाती है किसी किसी को। अब गैस कैसे बनती है, जल्दी जल्दी खाने से, कब्ज से। एक और कारण है गैस का, बार बार खाने से, कम सोने से। एक और कारण है चिंता करने से, जो बहुत चिंता करते हैं ना उनको भी पेट में गैस बनती है। फिर चिंता ज्यादा करते हैं, घबराहट होती है तो गैस भी बनती है। किसी किसी को बहुत, फिर बार बार लघु शंका, और उसके लिए टॉयलेट के लिए भी जाना पड़ता है। किसी किसी को तो बोले वहां जाना है तो घर के बाहर जाने में उनको घबराहट होती है और कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है, फिर ये हालत हो जाती है। तो सुन लिया, गैस गैसर। फिर एक लवण भास्कर और हिंग्वास्टक चूर्ण आता है, वो भी छाछ में डाल के पीने से गैस दूर होती है। छाछ तो औषधि है, तक्रम इंद्रस्य दुर्लभम, ये कहा है तक्र के बारे में। तो खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, खाने के तुरंत बाद पानी पीने से भी गैस बनती है। ज्यादा चाय कॉफी पीने से भी गैस बनती है, कैसे, उसमें ना थोड़ा सा नशा होता है चाय में। दरअसल कॉफी में भी और चाय में भी कैफीन होता है। ये कैफीन होता है चाय कॉफी में, निकोटीन होता है तंबाकू में, एल्कोहल होता है अलग अलग प्रकार की जो दारू होती है इनमें, और मॉर्फिन होता है इसमें, अफीम में। वैसे तो जो योगी होता है ना उसके अंदर से इंडोरफिन इनकैफिन जो अच्छे हार्मोन से पैदा होते रहते हैं, उसको नशा करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए हम लोग चाय कॉफी नहीं पीते पतंजलि में,